हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लल्लू कोको गार्डन। और आज हम एडिनियम को रिपोर्ट करने के लिए आज पूरी तैयारी के साथ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पास एडिनियम के कुछ पौधे हैं जिसको रिपोर्ट करना क्यों आवश्यक है आप समझ पा रहे होंगे इस वीडियो को देख करके। इस पॉट को आप देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है कि डॉर्मेंसी के बाद एडिनियम की ग्रोथ जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये रूट्स जो है इसकी मतलब एक्सपेंड की हैं और उन्होंने इस मजबूत पॉट को भी ब्रेक कर दिया है। तो आज इसको हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। आप रिपोर्ट करने से पहले पौधे को पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एटलीस्ट आपने एक सप्ताह पहले इसको पानी दिया हो या ना दिया हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। अगर आपने रिसेंटली पानी दिया है तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि अगर इसमें पानी का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो रूट में सड़न स्टार्ट हो जाएगी, आप अपने फिर पौधे को बचा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको रिपोर्ट करने के लिए आपको मिट्टी की प्रिपेयर करना होगा। आपकी मिट्टी कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एडिनियम की हेल्थ आने वाले एक सालों में कैसी रहेगी, उसकी ग्रोथ कैसी रहेगी। इसके लिए आपको, आप देख पा रहे हैं, ये हमारी गार्डन सॉयल है। गार्डन सॉयल के साथ में ये हमारे पास रेत है, बचरी लाल रंग की जो रेत आती है, और साथ में ये हमारी राइस हस्क है, तो धान की भूसी होती है, उसको हम उपयोग करेंगे ताकि हमारे पॉट में बेहतर ड्रेनेज रहे, पानी का रुकना बिल्कुल संभव ना हो, और ताकि हमारे एडिनियम की जो रूट है वो हेल्दी रहे और उसमें सड़न किसी प्रकार की सड़न की समस्या आने वाले भविष्य में ना हो। इसके साथ ही हम इसमें नीम के एक पाउडर का उपयोग करेंगे जो कि हमारी नेचुरल तरीके से एंटी फंगल काम करती है और फर्टिलाइजर का भी काम करती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। साथ में ये हमारा साफ एंटी फंगल पाउडर है, हम इसका भी उपयोग करेंगे थोड़ी मात्रा में ताकि हमारे एडिनियम की रूट्स हेल्दी रहे। आप देख रहे हैं हमने पौधे को गमले में से निकाल लिया है, और इस प्रोसेस में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे की जो जड़ें हैं उसको हम अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कर लें, अच्छी तरह से चेक कर लें कि किसी भी हिस्से में कोई किसी प्रकार की सड़न तो नहीं है। पौधे की जड़ें हमें बिल्कुल हेल्दी नजर आ रही हैं। हमें इन जो फाइब्रस रूट्स हैं ऊपर की तरफ, इसको कट करके निकालना होगा ताकि, और हम इसको अपलिफ्ट करके कम से कम 2 इंच ऊपर उठा करके नए पॉट में इसको हम रिपोर्ट करेंगे। कट करने के लिए हमें एक स्टराइल साफ ब्लेड चाहिए होगा। इस प्रकार से हमने जड़ों को साफ कर लिया है, ऊपर जो फाइब्रस रूट थी इसको हटा दिया है, और इस पौधे को हम अच्छी प्रकार से पानी से धुल लेंगे और थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमने दोनों पौधे को अच्छे से पानी से धुल लिया है, इसकी रूट्स, अपने जो फाइब्रस रूट थी उसको हटा दिया है, और हम देख पा रहे हैं इसमें पौधे में कहीं भी कोई प्रकार की सड़न नहीं है, पौधे की रूट्स बहुत ही हेल्दी हैं। अब हम इसको कम से कम 2-2.5 इंच ऊपर उठा करके अपलिफ्ट करके पौधे को नए पॉट में लगाएंगे। जो हमने हिस्सा जड़ों को कट किया है वहां पे हम साफ एंटी फंगल पाउडर को हल्का हल्का यहाँ पे लगा देंगे, अप्लाई करेंगे। हमने पॉट के ड्रेनेज होल को थर्माकोल के छोटे टुकड़ों से कवर कर दिया है। नीम किंग पाउडर, साफ एंटी फंगल पाउडर, ये हमने रिपोर्टिंग का काम खत्म कर लिया। पौधे को हमने करीब 2.5 इंच अपलिफ्ट करके 10 इंच के पॉट में फिर से लगा दिया है, और इसको अभी हम वाटरिंग नहीं करेंगे, कम से कम 1 हफ्ते तक सेमी सेट प्लेस में रखेंगे।
एक हफ्ते बाद इसका अपडेटेड वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। अगर ये इन्फो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। कीप गार्डनिंग, गो ग्रीन। थैंक यू।